ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाई आई टेल यू इन अ व्हाइल। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं। टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड 200 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड आई होप यू नो व्हाट इज रेजिस्टेंस। मैंने बताया था अभी दो लेक्चर पहले, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो चार्जेस के मोशन को या करंट के फ्लो को जो क्वांटिटी अपोज करता है उसको क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस। और अभी अगर मुझे रेजिस्टेंस सर्किट में शो करना है, और आपको यही तो याद होना ही चाहिए कि रेजिस्टेंस आया क्यों था। याद है क्या मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस क्यों आया था? याद है? भूल गए? यस, बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद आयॉन्स। किसी भी मेटल में यू विल ऑलवेज फाइंड देयर आर सम एटम्स एंड एटम्स आर पीरियोडिकली अरेंज। पीरियोडिकली अरेंज मतलब बराबर हर दो एटम में डिस्टेंस क्या है? सेम है। और ये जो एटम्स है इसमें से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया तो यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, और ये एटम बन जाएंगे आयॉन्स। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, फ्री करता है, वो क्या बनता है? पॉजिटिव आयॉन। तो पॉजिटिव आयॉन्स क्या करते हैं? वाइब्रेशन। तो दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग। और इलेक्ट्रॉन को जाना है तो इलेक्ट्रॉन को जाने में प्रॉब्लम होगा बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। इसको आप बोलते हो रेजिस्टेंस। अब ऐसा है कि अगर मुझे बताना है कि एक सर्किट में कहीं तो रेजिस्टेंस है, तो मैं ऐसा पूरा तो ड्रॉ नहीं कर सकता। तो सर्किट में रेजिस्टेंस बताने के लिए हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। तो व्हाट वी डू इज, रेजिस्टेंस दिखाना है तो हम लोग ऐसा सर्किट सिंबल यूज करते हैं। दिस इज सर्किट सिंबल फॉर रेजिस्टेंस आर। अब हमको बोला है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस है, यू हैव टू रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू। अगर मैं आर वन और आर टू में सिर्फ एक ही एंड एक ही पॉइंट कॉमन करूं, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर हमने इसको ऐसा लगा दिया, इसको बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। तो यू हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आर वन एंड आर टू। अब आपको ये पता होना चाहिए अगर मुझे आर वन और आर टू इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के एक सिंगल लगाना है। ये याद रखना, होता क्या है सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होंगे, सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, और हमको करना क्या है? हमको ये दोनों निकाल के सिंगल लगाना है। क्यों सिंगल लगाना है? बहुत लॉजिकल चीज है, ज्यादा स्पेस लेगा ना। दो लगाओगे तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, एक लगाओगे तो कम, और दूसरा दो लोगे तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, इट विल कॉस्ट मोर, और सिंगल के लिए कम। तो अगर हमको ये दो रेजिस्टेंस निकाल के एक सिंगल लगाना है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वेरी गुड। तो आई कैन रिप्लेस दीज टू, दोनों की जगह पे एक सिंगल मैं लगा सकता हूं और इसको मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट। लेकिन ये इक्विवेलेंट पैरेलल का है कि सीरीज का है? तो इसको डिनोट करते हो आर पी से। तो आर पी मतलब ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हमको फाइंड करनी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पी। तो एक फॉर्मूला बनता है वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू। ये फॉर्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 11th में या 10th में डिराइव करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिराइव करेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इतना पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड। देन आपको पूछा है हमारे पास आर वन और आर टू की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है आर वन की? दी है ना आर वन, आर वन 100 और आर टू कितना है? 200। इसमें एरर था 3 ओम का, इसमें था 4 ओम का। ठीक है, गुड। तो यू हैव प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 एज एरर। लेकिन आर वन की वैल्यू थी 100 और आर टू की वैल्यू है 200। ये जो 3 और 4 है वो एरर है। तो डेल्टा आर वन इज 3 ओम एंड डेल्टा आर टू इज 4 ओम। क्लियर? गुड। तो कुछ नहीं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड कर लो। वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन। व्हाट इज वन अपॉन आर वन? आर वन कितना? 100। वन अपॉन आर टू मतलब 200। तो व्हाट इज वन अपॉन आर पी? 1/100 इज 0.01। 1/200, 1/200 मतलब 2 × 100। व्हाट इज 1/2? 0.5। तो 0.05।
1/2 कितना था, 0.5 बराबर ना। ये 100 ऊपर गया तो कितना हो गया, 10^-2, कितना हो गया 10^-2, ये तो कितना आएगा, 0.05 आएगा कि 0.005 आएगा। वेरी गुड, तो 0.005। अब यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा चाहिए। गुड, कैलकुलेशंस इससे बढ़ेंगे क्योंकि उसको ऐड करोगे, कितना आएगा एडिशन, 0.015। लेकिन ये 1/RP है, तुमको आरपी चाहिए, तो फिर आरपी क्या आएगा, 1/0.015। तो इसके लिए व्हाट आई सजेस्ट इज, ये सारा करने की जगह पे ये जो फॉर्मूला है ना आपके पास, इसी को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो देखो क्या बनेगा, 1/RP इक्वल टू R2 + R1 क्रॉस मल्टीप्लाई R1 × R2। तो व्हाट इज RP, R1 × R2 / R1 + R2। तो डायरेक्टली यही याद रख लेना, पैरेलल में आया दो होंगे तो, तीन होंगे तो आपके तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। लेकिन अगर दो होंगे तो R1 × R2 / R1 + R2। R1 की वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 200, 100 + 200 300, और ये हो गया कैंसिल। आपको पता है 100/3 कितना होता है, 33.333। तो 200/3 कितना होगा, 66.666। तो ये तो पक्का हो गया कि 66.66 ओम। तो देखो पहले ऑप्शन में है क्या, 66.7, 66.7, 66.7 एंड 66.7। अब इसका मतलब क्या आता पता है, इसका मतलब था कि आपको ये पूरा टाइम पास करना ही नहीं था। मैंने कल बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कई बार पहली वैल्यू अलग अलग होगी, एरर सेम होंगे, कई बार ऐसा होगा पहली वैल्यू भी अलग और एरर भी अलग, और कई बार ऐसा होता है पहली वैल्यू सेम है। अब जब पहली वैल्यू सेम है तो तुमको पता ही है 66.7 आने वाला है। तो ऐसे केस में ऑप्शंस देखने के बाद ये सारे स्टेप्स करने नहीं है, तो करना क्या है, सिर्फ एरर फाइंड करना है। अब एरर कैसे फाइंड करोगे, हाँ एक में एरर 3 था, दूसरे में 4 था, तो टोटल कितना हो गया, 7। ऐसा नहीं होता इधर, तो क्यों नहीं होता है पता है, अगर अगर RP इक्वल टू R1 + R2 होता तो बराबर था, तो फिर डेल्टा RP इक्वल टू Δ R1 + Δ R2 तब ठीक था। लेकिन जब रेसिप्रोकल हो ना तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। तो 1/R1 + 1/R2, अगर ऐसा आपके पास फॉर्मूला है तो इन दैट केस, ये भी अच्छे से सुन लो, गड़बड़ करना नहीं, बिल्कुल करना नहीं। अगर आपके पास 1/RP = 1/R1 + 1/R2 हो तो एरर इन आर, इसका फॉर्मूला चेंज होगा, यू कैन नॉट हैव Δ RP = Δ R1 + Δ R2, ये फॉर्मूला चलता नहीं है उधर, तो वहां पे फॉर्मूला होता है चेंज। तो फॉर्मूला चेंज क्या होता है पता होना चाहिए, पता है तुम्हें, नहीं पता नहीं होगा क्योंकि अभी तक हुआ ही नहीं हमारा, हमारे 4 केसेस जो हुए थे उसमें से एक भी नहीं है ये। हमने एक लिखा था Z = A + B, तो क्या था, Δ Z = Δ A + Δ B, Z = A - B, Δ Z = Δ A + Δ B, और क्या था, Z = A × B, Δ Z / Z = Δ A / A + Δ B / B, उठा दो उसको, कोई उठा दो नींद से, वेकअप वेकअप, इट्स ऑल न्यू डे। अगर A / B हो तो भी सेम फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला था हमारे पास Z = A^n / B^m, क्या था यहाँ पे, Δ Z / Z = n Δ A / A + m Δ B / B। तो हमने जितने भी फॉर्मूला सीखे हैं उसमें से एक भी इस टाइप का नहीं था, ये पहली बार है इस टाइप का। कौन से टाइप का, 1/Z = 1/A + 1/B, तो इस टाइप का जब आए तो इसका एक अलग रूल बनता है एरर का।
तो वो अलग रूल क्या है पहले वो समझ लो। इधर इधर होता है डेल्टा जेड बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी बाय बी स्क्वायर। तो ये रूल है। अब ये रूल यहां अप्लाई करके बताओ मेरे को क्या आएगा। डेल्टा आर पी अपॉन आर पी स्क्वायर इक्वल टू आर वन अपॉन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर। कोई भी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी हो, सपोज मैंने ए मेजर किया तो लिखते कैसे है, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अगर बी किया तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आर पी कैसे लिखोगे, आर पी प्लस माइनस डेल्टा आर पी ऐसा लिखोगे ना, बराबर। लेकिन तुम्हारे पास डेल्टा आर पी है कि डेल्टा आर पी अपन आर पी स्क्वायर है। हाँ तो आर पी नहीं चलेगा, उसको वहां शिफ्ट कर दो। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो डेल्टा आर पी इक्वल टू डेल्टा आर वन, आर पी और आर वन दोनों का क्या है स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर, करेक्ट। प्लस प्लस डेल्टा आर टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर पी अपॉन आर टू का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का? तो तुम्हारे बैग के नीचे। तो रिमेम्बर वन अपॉन फॉर्म जब हो, वन अपॉन, तो इन दैट केस फॉर्मूला ये अलग से बनता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर वन कितना था, थ्री। ये कितना आया आपका, कितना आया, 66.67 अपॉन आर वन था 100, इसका क्या आएगा स्क्वायर। डेल्टा आर टू कितना है, 4। आर पी 66.67 डिवाइड बाय 200, क्योंकि आर टू की वैल्यू कितनी थी, कितनी थी, बराबर। गुड, अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे वो बताओ। सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन और 100 दोनों ही कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना। तो काम करना, 66.67 बाय 100 इसका स्क्वायर निकाल लिया कॉमन, क्या बचा 3 प्लस क्या बचा 4 और अपॉन 2 का स्क्वायर। 200 को मैंने लिखा 2 इंटू 100 और 2 स्क्वायर मतलब 4, तो यहाँ ऊपर था 4 नीचे है 4, 4 बाय 4, 4 बाय 4 इज 1, तो ये हो गया कैंसल, मतलब 1। व्हाट इज 3 प्लस 1, 4, 4 पक्का 4। और ये 100 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 रेस टू, तो 66.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 का स्क्वायर इंटू क्या 4। ये डेसिमल 2 से शिफ्ट कर दो, 0.6667 का स्क्वायर इंटू 4, बताओ। इतना इजी तो है नहीं ना फिजिक्स, तुमको लग रहा है बहुत इजी है, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। व्हाट इज 6 का स्क्वायर, 36। तो व्हाट इज 0.6 का स्क्वायर, 3.6 नहीं, 0.36, 0.0, व्हाट इज 0.36 इनटू 4, जीरो पॉइंट थ्री फाइव इंटू 4, 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 140, तो 36 इंटू 4 कितना होगा, 144, बराबर ना। तो अभी बताओ 0.35 इंटू 4 कितना, 1.4। तो ये आंसर 1.44 के थोड़ा ऊपर आना चाहिए, तो एरर जो है ना वो 1.44 के थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा 1.44 क्यों आया, क्योंकि हमने 0.6667 को हमने सिर्फ 0.6 लिया है। तो एग्जैक्ट करने जाओगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए ही होगा 100%, ऑप्शन नंबर ए ही है आंसर में, डन खत्म। तो कुछ डाउट है यहाँ पे, सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, ओनली टू थिंग्स, ध्यान दो ध्यान दो।
फिजिक्स फिजिक्स के दो स्टेप है, बाकी पूरा मैथ्स है। स्टेप्स मतलब वो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बाकी फिजिक्स के दो स्टेप है। 1/r/p = 1/r1+1/r2, वो भी करना नहीं था। वो क्यों नहीं करना था? क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज है सेम, सिर्फ एरर फाइंड करना है। तो 1/r1+1/r2 हो, उस केस में जो एरर का फॉर्मूला है, दैट इज द ओनली थिंग यू आर नीड यू आर सपोज टू नो, बस इतना पता होना चाहिए। तो एक्चुअल आपका आंसर इसके आगे है, बाकी सब हमने सिर्फ पता होने के लिए किया है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। वेल बाय द वे, इसमें कुछ क्वेश्चन जेई मेंस के मिक्स है, तो ये जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, इट इज फ्रॉम JEE 2019-20, आई डोंट रिमेम्बर सम ईयर।